नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल FTR तेजस बायटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि हम अब जो म्यूजिक होती है उसको अपने ऐप में बिना URL के कैसे एड करेंगे। लेकिन अगर आप एक दो म्यूजिक जो है वो अपने ऐप में बिना URL के एड करते हैं तब तो बढ़िया है देखिए। लेकिन अगर आप बहुत सारे म्यूजिक एड करना चाहते हैं, रिंगटोन ऐप ही बनाना चाहते हैं, तब ये आपके लिए दिक्कत हो जाती है। क्योंकि क्यों दिक्कत होती है? दिक्कत इसलिए होती है कि जैसे कि आप ऑफलाइन बिना URL के म्यूजिक को ऐड करते हैं अपने ऐप में, तो इसमें बहुत सारी जो होती हैं वो मतलब कि ऐप का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर आप URL से ऐड करेंगे तो आपके ऐप का साइज बहुत ही कम रहेगा, लेकिन आप बहुत सारे म्यूजिक को जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने ऐप में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि URL के द्वारा म्यूजिक हम अपने ऐप में कैसे ऐड करेंगे, तो उसको हम देख लेंगे। लेकिन अगर आपको ये भी देखना है कि कैसे हम बिना URL के अपने म्यूजिक को कैसे ऐड करें अपने ऐप में, तो आप उसको जाकर जो हमारी ऐप वाली प्लेलिस्ट है उससे आप देख सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि जो म्यूजिक होती है उसको हम URL के द्वारा अपने ऐप में कैसे ऐड करेंगे। दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले अपनी स्केचवेयर ऐप को ओपन कर लेते हैं। प्लस बटन पे टच करते हैं, यहाँ पर अपनी एक्टिविटी का नाम दे देते हैं एड म्यूजिक। क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देते हैं, टच कर देते हैं। यहाँ पर एक लीनियर एच लेते हैं और यहाँ पर एक और लीनियर एच लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसमें दो म्यूजिक ऐड करना सिखा रहा हूँ। होते हैं कि एक बता देते हैं तो फिर जो लोग होते हैं वो एक से अधिक म्यूजिक ऐड नहीं कर पाते, उनको थोड़ी दिक्कत आने लगती है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर दो म्यूजिक जो है वो ऐड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमने दो लीनियर एच ले लिए हैं, इसकी हाइट अपने अनुसार हम एडजस्ट कर देते हैं। ये हमने कर दी 50-50। अब इसमें हम बटन ले लेते हैं, तीन बटन ऊपर वाले में, दो तीन, दो तीन, इसमें हमने बटन ले ली। यहाँ पे हम टच करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने टच किया और यहाँ से हम थोड़ा सा जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। ब्लैक हो गया, इसका भी चेंज कर लेते हैं, तो ये दिखने में थोड़ा जो है वो और अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो अब हमको क्या करना है कि इस बटन पे जाना है, पहली वाली बटन पे, इस पे हमको क्या लिखना है, सॉन्ग का नेम लिख देना है, नेम। और इस बटन की जो आईडी है, आईडी में हम लिख देते हैं ये सॉन्ग 1। तो ये सॉन्ग 1 के लिए है आईडी में हमने, तो यहाँ पर हमको सॉन्ग का नेम लिख देना है ऊपर, इसकी आईडी में हम लिख देते हैं सॉन्ग 1, जिससे कि हमको पता रहे कि आगे जो हम एक्टिविटी करेंगे तो हमको पता रहे कि हम सॉन्ग 1 के लिए कौन सी एक्टिविटी सेट कर रहे हैं। उसके बाद इस दूसरी बटन पे चलते हैं और इसका नाम हम लिख देते हैं प्ले। सेव कर देते हैं, इस वाले बटन पर टच करते हैं, इसका नेम लिख देते हैं पॉज या कि फिर स्टॉप, कुछ भी लिख देते हैं, सेव कर देते हैं। अब दूसरे वाले, यहाँ हम नीचे वाले में आते हैं, इस बटन को टच करते हैं, यहाँ पर भी हमको सॉन्ग का नेम लिखना है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉन्ग 2, फॉर्म 2 लिख दिया हमने। इस दूसरी वाले बटन पे जाते हैं, इसका नेम हम लिख देते हैं प्ले, इसकी आईडी में हम लिख देते हैं प्ले 2, जिसे पता हमको रहे कि सॉन्ग 2 के लिए प्ले 2, मतलब
दूसरे सॉन्ग के लिए प्ले करने के लिए बटन, इस वाले बटन पर टच करते हैं, इसका हम नाम लिख देते हैं स्टॉप, सेव कर देते हैं। इसकी आईडी में भी जाते हैं हम और यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉप टू, सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हम भूल गए थे, यहाँ जो ये प्ले वाली बटन है इसका भी, इसकी भी आईडी में हम कर देते हैं यहाँ पर प्ले वन, इस वाली बटन पर टच करते हैं, इस वाली बटन की आईडी पे हम कर देते हैं स्टॉप वन, जिससे कि हमको पता रहेगा कि हम कौन से गाने के लिए कौन सा प्ले है कौन सा स्टॉप है, ठीक है। इसके बाद हमको कंपोनेंट पे चलना है, प्लस पे टच करते हैं और यहाँ से हमको क्या करें, रिक्वेस्ट नेटवर्क कर लेते हैं, रिक्वेस्ट नेटवर्क, और यहाँ पर नेटवर्क का कुछ भी हम नाम दे देते हैं और ऐड कर देते हैं। उसके बाद इवेंट पे चलते हैं, इवेंट पे चल के ऑन क्रिएट पे चलते हैं, ऑन क्रिएट में गए हम, यहाँ ब्लॉक वाले पे टच करते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट पे टच करते हैं, कंपोनेंट पे जाके ऐड कंपोनेंट करते हैं, यहाँ से मीडिया प्लेयर चूज करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉन्ग वन, सॉन्ग वन के लिए मीडिया प्लेयर हो गया। अब फिर से ऐड कंपोनेंट करते हैं और मीडिया प्लेयर पर टच करते हैं और ये यहाँ पर लिखते हैं सॉन्ग टू। जितने ही हम बनाएंगे, जितने सॉन्ग बनाएंगे उसके हिसाब से हमको यहाँ पर ऐड कंपोनेंट पर करके और मीडिया प्लेयर जो है वो हमको बना लेने हैं। इसके बाद हमको यहाँ पर नीचे साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो मैंने इसका जो लिंक है वो दे रखा है, उस वीडियो से जाके अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको ये पूरे पूरे ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो दिखेंगे। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या यहाँ पर करना है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए मीडिया प्लेयर का ऑप्शन है, इस मीडिया प्लेयर वाले ऑप्शन पे हम टच करते हैं, और यहाँ पर सेट म्यूजिक यूआरएल एक और ये सेट म्यूजिक यूआरएल दो, दो हमने यहाँ पर किए हैं तो उसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मीडिया प्लेयर जो है वो हम चूज कर लेते हैं, ऊपर वाला सॉन्ग वन के लिए मीडिया प्लेयर हो गया, नीचे वाला जो है वो सॉन्ग टू के लिए मीडिया प्लेयर हो गया। अब यहाँ पर जो गैप दिख रहा है इस पर हम टच करके और यहाँ पर यूआरएल पेस्ट कर देते हैं सॉन्ग के। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने की जो सॉन्ग है वो डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक होना चाहिए, आपके सॉन्ग का डायरेक्ट डाउनलोड यूआरएल होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। और इसको कैसे बनाना, बहुत सारे लोग होते हैं तो मीडिया फायर का बता देते लेकिन जो कुछ ही समय के लिए वो रहता है बाद में एक्सपायर हो जाता है, वर्क नहीं करता। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे कि गूगल उसको डायरेक्ट डाउनलोड बनाता है, बिल्कुल फ्री में बनाता है। तो अगर आपने नहीं देखी थी उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके देख लीजिए, छोटी सी वीडियो है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सेव कर लेते हैं, दूसरे वाले में भी हम चलते हैं, यहाँ पर भी लिंक पेस्ट कर देते हैं, सेव कर दिया हमने और आ जाते हैं बैक। अब हम आते हैं व्यू में, व्यू में आते हैं, यहाँ पर सॉन्ग वन है तो सॉन्ग वन, यहाँ पर प्ले प्ले वन, तो सॉन्ग वन को करेंगे तो ये प्ले होगी। तो हमको यहाँ पर टच करना है, ऑप्शन आया यहाँ पे टच करते हैं, उसके बाद मीडिया प्लेयर में जाना है हमको, यहाँ पर देखिए ब्लॉक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, स्टार्ट ऑनलाइन ये हो गया, स्टार्ट ऑनलाइन ये सॉन्ग वन के लिए है, प्ले वन है मतलब प्ले वन है तो सॉन्ग वन, बैक आ जाते हैं, स्टॉप वन है यहाँ पर हम टच करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान से काम करना है, मीडिया प्लेयर पॉज ऑनलाइन, मीडिया प्लेयर सॉन्ग वन के लिए है, देख ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए स्टॉप वन लिखा है मतलब सॉन्ग वन ही चूज करेंगे, जिससे कि मैंने यहाँ पर आपको पहले बता दिया था कि जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं, ये सॉन्ग टू का है हमारा, तो यहाँ पर प्ले टू पे चलते हैं,
यहाँ पे मीडिया प्लेयर। दोस्तों एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को देखना आप मत भूलिएगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर प्ले है, प्ले टू, तो यहाँ पर प्ले मतलब स्टार्ट करने के लिए है। ब्लॉक हमने सेट किया, यहाँ पर जो मीडिया प्लेयर है, मीडिया प्लेयर ये टू है, तो यहाँ पर हम सॉन्ग टू चूज करेंगे। बैक आ जाते हैं, स्टॉप टू पे चलते हैं, ब्लॉक वाले पे चलते हैं और यहाँ से मीडिया प्लेयर, और यह क्या है स्टॉप करने के लिए, तो यहाँ पर पॉज ऑनलाइन। मीडिया प्लेयर चूज करते हैं, सॉन्ग टू सेलेक्ट, बैक आ जाते हैं, तो हमारा काम ये हो चुका है। इसी तरह से आप इतने चाहे तो म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। इसको मैं आपको रन करके भी प्रूफ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जब तक जो है ये बन रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है मैं आपको इतनी इजी तरीके से बता रहा हूँ, आपको ये इतनी इजी तरीके से पता चल गया। अगर आप किसी दूसरे चैनल पर जाएंगे और इसी चीज़ को ढूंढेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और कितनी तरीके से मैंने आपको बता दी, कितने सरल तरीके से। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऐप ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम प्ले करते हैं। ठीक है, नेट ऑन है हमारा, यहाँ पर प्ले करते हैं। देखिए ये म्यूजिक बन रही है, अब इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक, इस दूसरे वाले को हम प्ले करते हैं, ये भी कर रहा है, इसको स्टॉप पे करते हैं हम, स्टॉप हो गए। प्ले स्टॉप, प्ले स्टॉप, देखिए वर्क कर रही है अच्छे से। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज हैं हमारे चैनल पे, तो आप प्ले लिस्ट से जाके देख लीजिए जो कि फुल सीरीज वाइज है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता भी चल गया होगा कि केवल इसी चैनल पे जो वीडियोज होती हैं वो रियल होती हैं, इजी होती हैं और आपको सिर्फ एक बार देखनी पड़ती है, फिर उससे रिलेटेड आप कहीं वीडियो देखेंगे ही नहीं, है ना। तो आपका टाइम भी बहुत बचता है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे जो है उसमें देख सकते हैं जो कि फुल सीरीज वाइज है और बेसिस ये नहीं कि ऊपर ऊपर का बता दें और बाकी का पता नहीं, तो वो पूरी चीजें हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों और चैनल वालों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।